दिया हुआ है इस प्रकार से। दूसरा ये इस प्रकार से टैप कर। इसमें दोस्तों मैं ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर कोल्ड है, अगर इस साइड इसे आप घुमा देते हैं तो ये गर्म पानी देता है और यहाँ पर कट होता है एक बार, और इसके बाद इधर घुमा लेंगे तो ठंडा पानी देता है। इसको बस यहाँ पर फिट करना है, ये कैसे फिट होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला ये प्रोडक्ट है, जो कि अपने वॉशरूम वॉश एरिया में, किचन में, कहीं भी अगर आप इसे लगाते हैं तो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। इस तरीके से कितना इजी है इसका इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हैंडल करना है, अब इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से तो काफ़ी मतलब हैंडी और हल्का भी है, और पूरी तरह से ये मेटेलिक नहीं है, इसलिए प्लास्टिक का बना हुआ, इसे जलने का कोई खतरा नहीं होता है। और इसके साथ कुछ स्क्रू एंड नट्स ये हुए, जिसे आप अपने पाइप में लगा सकते हैं डायरेक्ट। पहले जो नल आपका लगा हो उस नल को हटाएंगे, उसके बाद इसको कैसे फिट करते हैं हम लोग अपने किचन की तरफ चलते हैं वॉश एरिया में। दोस्तों अभी मैं अपने किचन में आया हूँ, खास करके हम चाहते हैं कि जो भारतीय महिलाएं हैं किचन में ठंड के दिनों में बर्तन धोने में उनको काफ़ी परेशानी आती है, तो किस प्रकार से वो खुद से भी इसका इंस्टॉलेशन कर सकती है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आपके यहाँ किचन में इस तरह से नल लगा, इसे खोलना काफ़ी ईजी होता है, अगर आप थोड़ा हाथ से प्रेशर लगाएंगे ये खुल जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने किसी भी रिंच पिलास पेचकस का कोई इस्तेमाल करने की जरूरत आपको नहीं है, नॉर्मली एक पिलास से भी काम चल सकता है। इसे आप घुमाएंगे तो ये आसानी से इजली, पहले अपने टंकी का जो स्विच है उसको आप ऑफ कर देंगे, फिर आप देखेंगे ऑफ कर देने के बाद ये आपका नल बाहर हो जाता है, इसे आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ये गीजर के साथ हम लोग देते हैं साथ में, ये एक स्क्रू है, नट है, जो कि आपको सेम उसी जगह पे लगा देना है। साथ में मार्केट में मिलने वाला थोड़ा सा टेफ्लॉन टेप आता है इस प्रकार का, इस टेप का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि पानी का रिसाव नहीं होता है। ये काफ़ी इजीली मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है, इसे आप इस तरह से लगा सकते हैं। टेप लगा देने से आपको फायदा ये होता है कि पानी का किसी भी कारण से हमें रिसाव को ही पता नहीं होता है, रिसाव नहीं हो सकता। नॉर्मली आप देखिए इसको इस तरीके से बस जो हाथ से आप घुमाते रहिए इसे। और बहुत अगर लगता है अगर आपके पास घर में गिलास है तो उससे आप इसे पकड़ के ये बढ़िया घुमा देंगे पूरी तरह। उसके बाद बारी आती है दोस्तों इसकी, इसके पीछे भी थोड़ा सा अगर हम टेप लगा दें तो फॉर वेस्ट होता है, क्योंकि तो पानी के चांसेस इसी में ज़्यादा होते हैं कि को आप यहाँ ले जा करके इसके पास ये इस तरह से ले जाए कपड़ा शुरू कर रहे हैं। देख सकते हैं कितना इजी है, इसको मैं आसानी से हाथों के द्वारा ही इसको मैंने सेट कर दिया। ये ओके है, ये इस तरीके से आपका कसा देने के बाद एक आपको यहाँ पर बोर्ड की जरूरत है या एक प्लग की जरूरत है जहाँ से आप इसको लाइन दे सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बगैर किसी रेंज प्लस पेचकस की सहायता से इसको आसानी से हमने पाइप में कनेक्ट कर दिया, हमने यहाँ से लाइन दे दिया। अब देखते हैं इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर आप इसे दाहिने साइड घुमाएंगे तो इस प्रकार से ये कोल्ड वाटर देगा, और उसको आप जैसे ही यहाँ पर एक कट है ऑटोमेटिक कट ऑफ लेगा। उसके बाद आप इधर अगर बाएँ साइड घुमाते हैं तो ये आपको थोड़ा इस नल में फ्लो कम है,
फ्लो कम हो जाने की वजह से हमने लो प्रेशर का गीजर लगाया। तो मैं आपको बताना ये भूल गया, इसमें दो प्रकार का हमारे पास टाइप गीजर आता है, एक हाई फ्लो का आता है और एक लो फ्लो का आता है, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। आप इसका प्रेशर देख सकते हैं, अगर लो भी है तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई जा रहा है इसका, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर, और इस प्रकार इसमें से उठता हुआ वाष्प आप देख सकते हैं कि कैसे ये वाष्प इसमें से उठ रहा है। तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उस प्रकार से ये आपको देख सकते हैं कैसे टेम्परेचर बढ़ता है। घटाना है तो कुछ ही करना है दोस्तों, इसको बस इधर घुमा देना है और यहाँ आपका फ्लो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। और ये इस प्रकार से आप इसका पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं उठते हुए फ्लो को।